ये बोलते बहुत है। ये बोलते भी हैं? क्या बोलते हैं? मतलब वो अपनी लैंग्वेज। तुम्हें समझ आती है ये क्या बोला? और प्रांजल की मैंने आपको बोला था मैं फॉर्च्यूनर दिखाऊंगी। फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी कंडीशन में है। प्रांजल ने क्या किया उसके साथ वो भी बताएंगे आप। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार इस टाइम मैं हूँ चंडीगढ़ में, मैं आई हुई हूँ मोहाली में। हमारे यहाँ एक शादी है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है। कुछ लोग चंडीगढ़ में भी रहते हैं, उनको बुलाने के लिए आया है। प्रांजल दहिया को इनवाइट करेंगे, अभी चलते हैं उनके पास और मिलवाती हूँ आपको उनसे। बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा स्वीट बंदी हैं वो, और आप वन टू वन मिलके देखिएगा कैसा लगता है। मेरे थ्रू आपको भी मिलवाएंगे, कुछ सवाल जवाब करते हैं, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। तो चलिए और बनिए इस जर्नी का पार्ट। और बाकी यार एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरा रिटेल ऑफिस है चंडीगढ़ में HPCL का, तो आती जाती रहती हूँ इस जगह से। सिर्फ काम की वजह से नहीं, वैसे भी एक पर्सनल कनेक्ट हो गया। एक लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, आगे बहुत हेल्पफुल लोग हैं। आज तक किसी भी छोटी मोटी चीज़ में फंसी हूँ ना मैं, फंसने नहीं देते यार सबको। मेरी नहीं, सबकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आई तो आज बड़ा हेल्प करते हैं इसलिए थोड़ा फेमस हो गए, नहीं। जब पहले किसी को नहीं जानते थे, कोई दिक्कत होती थी तब भी हेल्प होती थी, आज भी हेल्प होती है। मस्त से, बहुत ज़्यादा दिल से भी बिंदास वाले लोग हैं यहाँ के। चलिए चलते हैं। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change. Help me feel like me. So finally, hustle up. Wait, तारीफ बाद में करना, पहले hustle up. So finally, Pranjal हमारे साथ है और आपको मैंने बताया था ना बहुत sweet है, बहुत प्यारी है। तो ये है Pranjal without makeup, बहुत ही ज़्यादा sweet है। ज़्यादा मतलब मैं शर्माती हूँ। जो usually सब शर्माती नहीं है। मतलब ही नहीं है ना, डरने का मतलब ही नहीं है कोई। ये सुंदर है, है ना? मेरी मैनेजमेंट गंदी है, मेरे तो व्लॉग भी आ जाते तब भी एडिट होके नहीं आते। तो इनके व्लॉग से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी मैनेजमेंट है जो मेरे व्लॉग नहीं आने देती। और बहुत वेट करते हैं लोग, है ना, कि प्रांजल का कुछ वीडियो आए, कुछ आए। तीन व्लॉग बन चुके हैं मेरे और आज तक आए नहीं है। आ जाएंगे, हमारा तुमसे पहले आ जाएगा, है ना? यस, अब बोलना जरूरी है, तुम्हारी खिंचाई यहीं पे होगी ना। अब मुझे चिढ़ाया जा रहा है ललित, अब देख ले। सब कुछ चलता रहता तो अच्छी है फिलहाल के लिए। तो मतलब बहुत प्रोफेशनल वे में लेती हो या लाइट लेती हो, फन की तरह लेती हो? दोनों लेने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा है? ज्यादा हल्के में ले लिया तो अगला बंदा मुझे यूज टू हो जाएगा, और अगर ज़्यादा प्रोफेशनली ले लो तो फिर आपको भी उसी तरीके से रहना पड़ता है। तो जो जो जैसा बंदा मिलता है वैसे हो जाती हूँ मैं। okay. ज़्यादा प्रोफेशनल मिलता है तो मैं उससे डबल हो जाती हूँ, थोड़ा सा अच्छा मिलता है तो मैं उससे ज़्यादा अच्छी हूँ। अच्छा, हर रील तुम्हारी जो भी तुम डालती हो ना बहुत ज़्यादा एकदम से वायरल होती है, एकदम क्रेजी हो जाते हैं लोग। मैनेजमेंट बनाती है, यहाँ पे ललित आया, यस मैं बनाता हूँ। कैमरामैन वैसे हमारा कुछ और ये बकवास करी जा रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट जो भी, मतलब एक्चुअली क्या होता है, रील डालने का भी टाइमिंग होती है तो सारा डिपार्टमेंट इनका होता है। okay. मेरा सिर्फ दो काम होते हैं, मुझे जब मैं शूट पे भी जाती हूँ तो मुझे से बता दिया जाता है कि इतनी देर का शूट है, ये है। मैं उससे बाकी बात ही नहीं करती क्योंकि अच्छा। वो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, प्रोडक्शन का इसका है, डायरेक्टर से बात एक का होता है, तो हमारा ऐसे बटा हुआ है, टीम बना रखी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोग हैं। मैं घुसती नहीं ज्यादा, बस जो करना है वो कराओ फटाफट, डांस वांस किया अपना, ठीक है। अच्छा, डांस में ही है, एक्टिंग में भी जाना है फर्दर? अच्छी गुड लुकिंग हो यार, दोनों में है। अभी आया कुछ बॉलीवुड से ऑफर आया? बहुत, पर वो है कि नहीं बनती मेरी उधर, नहीं बनती। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होती है, कई बार हमारी अलग होती है। ओके, तो मैं सोचती कि नहीं छोड़ो, अभी ऐसे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, छोड़ो। मतलब मेरा एक मोटिव है लाइफ का कि जो करना है मजे में करो, बटन नहीं डालना, खुशी में काम करना है, तो वही चल रहा है फिलहाल तो। ऑल राइट, अच्छा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है अभी तक प्रांजल का? सारे, मैं जोन सा कर दूँ मुझे सारे अच्छे लगते हैं, करने के बाद अच्छे लगते हैं, जब मैं करती होती हूँ जब तक मुझे मजा नहीं आता, करने के बाद अच्छे लगते हैं कि हाँ। फिर रिस्पांस देख के मजा आता होगा, है ना? फिर तो मजा आता है। कोई ऐसा गाना किया अभी तक जिसको लगा हो कि यार करने में भी बकवास है, बाद में भी बकवास है, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ,
होता है कई, मतलब बस रिलेशंस के ऊपर काम करने पड़ते हैं तो वो गाने होते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो गाने करके वो गाने डबल हिट जाते हैं। अच्छा, इफ़ वी टॉक अबाउट अ जिप्सी स्टोरी, एक दिन पहले मैं लड़ गई थी मैं ये गाना नहीं करूँगी टीम से, जिप्सी गाने पे, जिप्सी गाने पे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर मुझे थोड़ा सा कन्विंस करा टीम ने कि नहीं करना चाहिए, फिर जाके मैंने करा। ओके, जैसे बहुत गाने, बावन गज भी ऐसी था, जब मना कर दिया था पहले, जब बना दिया गाना उसके बाद वो गाना सेल नहीं हो रहा कहीं पे भी ना, लोग ले नहीं दे रहे उस गाने को। हाँ, सीरियसली। मैं और मेरी टीम ऐसे थी, मतलब जो मेरे साथ डायरेक्टर थे, कि करना है यार। मैंने कहा मेरी बात सुन, अभी चाहे 4 लाख का बिकता हो इसे बेच दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है गाना सुन सुन के, क्योंकि एक ही चीज़ आप कब तक सुन सकते हो। और आज वो 2 साल पुरानी चीज पे हम आज ही परफॉर्म करते हैं, जब क्राउड का रिस्पांस देखते हैं ना, क्रेजी सॉन्ग है यार, ऐसा गाना एक और होना चाहिए। पर जो हो गया सो हो गया, दोबारा कहाँ बन। अच्छा, जो डांस वगैरह के स्टेप्स होते हैं खुद से डिसाइड करते हो या कोरियोग्राफर होते हैं? खुद से होती है, कई कोरियोग्राफर्स करते हैं, क्योंकि आई थिंक स्टार्टिंग में तो तुम अपने आप ही करते थे ना, जब है ना, जब इंस्टा रील्स वगैरह के टॉप वगैरह के टाइम पे। डिपेंड नहीं हूं किसी के ऊपर अपनी लाइफ। ओरिजिनल ज्यादा अच्छा नहीं था? सारे ठीक है जैसे है ना। हाँ, चलिए कॉफ़ी पीते हैं। और प्रांजल की मैंने आपको बोला था मैं फॉर्च्यूनर दिखाऊंगी, फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो दिखाएंगे हम आपको। प्रांजल ने क्या किया उसके साथ वो भी बताएंगे आपको। है ही नहीं, गाड़ी ठोक दी है उसने। नहीं, हम गाड़ियों का व्लॉग बनाएंगे तो हम दोनों बनाएंगे उसमें। अच्छा, मेरी फर्स्ट कार से लेकर मेरे पास जो, मतलब मैंने खुद से खरीदी है वो, मैंने फर्स्ट कार भी बेच दी, रिसेंटली बेची, मैंने तो उसको खड़ी कर रखी है। उसका नाम है चेरी, मतलब वो वैगनर है रेड कलर की, बहुत पुराना मॉडल, तो मेरे को भी था, मेरे पास मेरी बाइक भी आज भी। अच्छा, जो मैं स्कूल टाइम में, साइकिल भी है क्या, जो मैंने 8th क्लास में ली थी, तो कभी हम उसका व्लॉग बना सकते हैं। मेरे पास सारी गाड़ियाँ मेरी अभी तक की जो मैंने खुद खरीदी। मुझे गाड़ियों में इंटरेस्ट आता है, वो मेरा फेवरेट पार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम उसकी बना है ना। गाड़ी का एक्सीडेंट किया है प्रांजल ने, बता नहीं रही है बिल्कुल भी, गाड़ी ठोक दी है। मैं ठोकती हूँ, बता देती हूँ, दो बार ठोक चुकी है ना। एक बार, एक ही बार ठोकी पहले राहुल, राहुल। अच्छा, वो राहुल ने किया था, तो यार गाड़ी गई रोड पे, गाड़ी चल रही है तो ठोकेगी। हाँ, और आदमी है जिंदगी, और इतना जेट ब्लैक करके चलोगे तो पक्का ठोकेगी। कोई बात नहीं, वो जरूरी है। हाँ, अदरवाइज तो लोग पहचान लेते होंगे। तो भाई गाड़ी का नंबर नहीं वायरल हुआ अभी तक? नहीं, हम करते नहीं है यार, हमारी जान खा जाती है। मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लोग कहते थे मेरी गाड़ी नहीं है, ये तो झूठी है। लोगों का तो काम है कहना, इनको तो कुछ कहना है। जब मेरे लिए कोई नेगेटिव कमेंट भी होता है ना, तो मैं खुश होती हूँ, मतलब 4 कमेंट और बढ़ गए, यस और करो, मजा आ रहा है। मैंने तो इसलिए थोड़ा बहुत दिखाया कि नजर नहीं लगनी चाहिए ना, हर कोई खुश, मतलब ये कहता है सुंदर सुंदर सुंदर, एक तो मैं ये नहीं, सुतरी नहीं लग रही, ठीक है, बेकार लग रही है, जरूरी था, सही में इतना कीमती वक्त निकाला है, मेरे लिए कमेंट करा है, तो मेरा भी पढ़ना जरूरी। और नेगेटिव ज्यादा लंबे होते हैं, है ना, वो ज्यादा 2-3 लाइनें लिखते हैं, अच्छे वाले तो बहुत कूल ब्यूटीफुल इतना लिख के छोड़ देते हैं, वो जिसके में वो आता है ना ऊपर वर्ड्स आ जाते हैं जल्दी जल्दी वाले। हाँ, चलो जी कुछ खाते हैं, कॉफी पे जिंदा है। ललित, तुमने बहुत ज्यादा चीजें मंगा दी भाई, आज की पार्टी ललित की तरफ से। चलिए प्रांजल, आपको आना है जरूर, ठीक है, मिलते हैं वहाँ पर। फॉर्च्यूनर ठीक हो जाएगी तब तक? फॉर्च्यूनर ठीक भी ना हो तो टूटी गाड़ी चला लेते हैं, हमें मतलब नहीं यार, लोग क्रेजी हैं तुम्हारी फॉर्च्यूनर के लिए। वैसे तो फॉर्च्यूनर के लिए सब लोग क्रेजी हैं। गाड़ी दिखाएंगे हम फॉर्च्यूनर, वो मेरी है, मतलब वरना मेरी है, फॉर्च्यूनर तो बाइक है मेरी, वरना देख लो तुम। तो मेरा गाना है हेमा मालिनी, जो प्रांजल दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही आया हुआ है, तो ये मेरे चैनल का पहला गाना है, आप लोग जरूर सुनना। जैसी कबूतर बावन का जिप्सी को सपोर्ट करा, इसको भी करना, ढेरों सारा सुनना और रील जरूर बनाना, बस इतना ही आता है मेरे को। यार ये लिंक आप देख लीजिए, नीचे ब्लिंक कर रहा होगा, इसके ऊपर जाइए, और प्रांजल को तो आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, गाने को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करना, ठीक है, और वेट करना हमारे नेक्स्ट व्लॉग का। यस, नहीं नहीं मेरे पास मत, उधर उधर उनको नहीं, मुझे नहीं करनी, उसे करनी है। वो भी कह रहा है, अरे कर ले ले, तेरे को चाहिए ना, अगर तू नहीं डरा तो तेरे को दिला। अरे इधर नहीं, मैं नहीं, इससे नहीं लग रहा। चलो मामा मामा पास चलो, बड़ा वाला आ रहा है, वो फाड़ा भी कर देता है, बड़ा भी है, काटेगा नहीं, मतलब वो थोड़ा ओवर एक्साइटेड है मिलने में। ओह माय गॉड, देखो यार एक बार, ये तो क्यूट सा लग रहा है, काटता तो नहीं है? नहीं नहीं, हाय, ज्यादा फ्रेंडली ना हो जाए, नहीं मम्मा की फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। प्रांजल इसकी मम्मा है तो मैं मम्मा की फ्रेंड हूँ, मासी हूँ बेटा। ओ यार ले ले, ओ मम्मी, एलेक्स की तो दूर से मेरे को डरावनी आवाज लग रही है।
या टाइट कर लो प्लीज और बहुत दूर कर दो। पास मत लाना, पास मत लाना। ओ माय गॉड। ये दोनों हस्की है ना? ये दोनों हस्की। ये भी एक साल का है और दोनों मेल है। दोनों ही ब्लू आईज। तीनों मेल हैं। यार वो देख कितना प्यारा है। इनमें से सबसे पहला कौन सा है प्रांजल? अच्छा ये सबसे पुराना है। ये मेरी मम्मा ने बिगाड़ा हुआ। अच्छा और तुम्हारे साथ ही हर जगह जाता है? हाँ ऑलमोस्ट। ये मेरे हर हिट गाने पे जाता है। हाँ जिसमें भी था जिप्सी के पे कबूतर पे भी। ये हिट है मतलब। ये लकी चाम है। मेरे को तो डर नहीं लग रहा, मैं तो ठीक हो गई। मैं दुबकी भी तो हूँ, मैं थोड़ी सी उसे ही बाहर जाना है। अरे भाई क्या कहाँ फंस गया है मेरे साथ? ये ये बोलते भी हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? मतलब वो अपनी लैंग्वेज। तुम्हें समझ आती है? ये क्या बोला? ऐसा कुछ नहीं है, पर ये तो पूरा दिन बात करते बोलता रहते हैं। उसको बाहर लेके जाओ कभी, ये करो, बस उसको आई लव यू बहुत वो से करता है। अच्छा तो उसका अपना जो शहरी मतलब बच्चे होते हैं। हाँ हाँ हमारा हाँ, तो देसी है। हमें हमारे घर का माहौल तो हमारा भी देसी है। कौन इस पागराने ले जा रहे हैं? हाँ, मतलब महीने में रिक्वायर्ड वो बालों वालों और बालों की प्रॉब्लम जो बाल झड़ते बढ़ते हैं वो है। तो प्रांजल फाइनली मम्मा बन गई है। हाँ, इनकी तो पूरी फैमिली है। शादी की तो वो बात ही नहीं होती। शादी की जरूरत क्या है? तो दोस्त ये थी हमारी प्रांजल जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा मैं क्या बोलूँ अपने हकलाने लगी। ठंड बहुत लग रही है हम दोनों को है ना, लेकिन हम दोनों ने बहुत अच्छे से वार्मर वगैरह पहने हैं, डोंट वरी। और मिलते हैं आपसे अब गुड़गांव में। गुड़गांव में भी बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत मस्त आपको डांस भी दिखाने वाले हैं। ठीक है बहुत जल्दी मैं जिप्सी पे करूँगी। ठीक है मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, वो तो है ही एक्सपर्ट, हम प्रैक्टिस करते हैं। आपसे मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय। और प्रांजल का कलेक्शन भी दिखाना है मुझे कार्स का है ना, बहुत सारी गाड़ियां ले रही है यार। बैक टू बैक प्लानिंग है लड़की की, रूबी कौन लूंगी, फिर जी वैगन लूंगी, ये लूंगी वो लूंगी, दिखाएंगे आपको फिर टाइम। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work.